महाराष्ट्र वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट जब टूरिज्म की बात आती है। ना जाने कितने बीचेस, ना जाने कितने फोर्ट्स और ना जाने कितने सालों की हिस्ट्री। देखिए फिलहाल कंडीशन ऐसी चल रही है, बट फिर भी महाराष्ट्र टूरिज्म में डेवलपमेंट हमको देखा जा रहा है। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आज भी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मोटो होम एंड महाराष्ट्र टूरिज्म, जिसके थ्रू लॉन्च की गई है। देखिए एक ये कैंपर वैन, बहुत ही लग्जरी कैंपर वैन, और दूसरी साइड हमारे पास है देखिए ये कैंपर बस। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, चिंता मत कीजिए, इस ब्लॉग में मैं आपके सामने डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों लग्जरी बस है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वाली बस में घूमने जा रहे हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे देखने में ही आप देखिए ना, देखने में ही मतलब कितना लाजवाब लगता है। तो आइए जल्दी से इस टूर की शुरुआत करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ जो एक कैंपर वैन है महिंद्रा मराजो, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या क्या कॉस्ट है। आइए, तो अगर आप ये लग्जरी कैंपर वैन हायर कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या फीचर्स लोडेड हैं, आइए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे साइकिलिंग का सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है। फिर देखिए, बिकॉज मैंने ये कैंपर वैन देखी है, इसमें इतनी लग्जरी है, इतने फीचर्स हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। आइए अब देखिए, ये पीछे हमने डिक्की ओपन की, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये आपके लिए गैस का ऑप्शन है। तो अगर आप ये कैंपर वैन लेके जा रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आपके पास यहाँ पे खाना पकाने का ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट, स्पून हुआ, जो भी आपको किचन में यूज़ आती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये हो गया किचन, एक शॉर्ट किचन की बात। उसके बाद आती है, अगर आप सपोज़ समर में ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भैया ठंडा पानी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो उसके लिए ये रहा छोटा सा फ्रिज। यहाँ पर ये देखिए मिनी फ्रिज दिया गया है। फ्रिज में आप कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आप रखना चाहें, आइस रखना चाहें, तो दिस इज टू मेक योर जर्नी द मोस्ट कंफर्टेबल। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कैंपर वैन की मैक्सिमम कैपेसिटी इट इज 4 पर्सन, मतलब 4 मेंबर्स, उससे ज्यादा इसमें नहीं जा सकते। और बाई चांस अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पानी की फैसिलिटी दी गई है। और इसमें यहाँ पर इन्वर्टर है, जो जब गाड़ी रन हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, इनकेस अगर आप किसी रिसॉर्ट पहुँच गए या होटल पहुँच गए तो। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक का चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है कैंपर वैन तो है, फिर स्लीपिंग का कैसे, सोएंगे कैसे? तो अगर आप ये देखेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो जो दो ये सीट आप देख रहे हैं ये आपको फोल्ड करनी है और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ चला जाता है। और इसमें इजीली मैं कहूँगा दो लोग तो आराम से सो सकते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी है, स्पेशियस है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और जो सबसे बड़ा फीचर कैंपर वैन का, जो आपको ख़ास तौर पर मैं कहूँगा इंडिया में उतना देखने को नहीं मिलता, दैट इज़ दिस। आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग गाड़ी के अंदर सो गए, अगर आपको कुछ एडवेंचर करना है ज़िंदगी में, कुछ तूफानी आप करना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज अब ये सीढ़ी चढ़िए और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए पूरा यहाँ पर आराम से मैं कहूँगा दो लोग, या फिर अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें तो तीन लोग तो सो सकते हैं। देखिए यहाँ पर फैन की फैसिलिटी भी है, और इस साइड मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर लाइट की भी फैसिलिटी दी गई है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया, जो इन्वर्टर है, इट कैन रन, अगर फुल चार्ज हुआ तो इट कैन रन अप टू 3 to 4 hours विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं ना इसमें कितने सारे फीचर्स हैं, इसमें तो और भी कुछ है, नीचे गेम्स भी कुछ रखे गए हैं, क्रिकेट गेम्स रखे गए हैं, तो वो भी गेम्स प्ले करना चाहें तो वो भी खेल सकते हैं। भाई मैं तो इस कैंपर वैन में जल्द से जल्द ट्रैवल करना चाहूँगा, आप करना चाहेंगे? ज़रा कमेंट करके मुझे अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। अगर आप ये कैंपर वैन फैमिली के साथ लेकर जाएंगे तो किस लोकेशन पर आप जाना चाहेंगे, कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें कैंपर वैन हायर करनी है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस। सिंपल सा एक प्रोसेस है,
मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, आप सब कुछ देख सकते हैं। कैंपर वैन, इसकी कॉस्ट फॉर फोर मेंबर्स पर नाइट इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 4,000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग, जिसमें GST इंक्लूडेड नहीं है प्लस फ्यूल भी इंक्लूडेड नहीं है, एंड दिस इज सेल्फ ड्रिवन। अभी पिक एंड ड्रॉप का देखिए फिलहाल कुछ सीन चल रहा है बिकॉज ऑफ द करंट कोरोना वायरस सिचुएशन, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर बात कर लीजिए। एंड करंटली यू कैन ट्रेवल विद दिस कैंपर वैन ओनली इन महाराष्ट्र। अब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी आई एम श्योर आप अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह भी जा पाएंगे, बट करंटली इट इज़ अवेलेबल ओनली इन महाराष्ट्र। अब आप मुंबई में ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या जहाँ से भी आप हायर करना चाहें, जैसा मैंने आपसे कहा फॉर पिक एंड ड्रॉप प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ काफ़ी स्पेशियस है, जगह भी बहुत अच्छी है, आराम से आप और आपको बिकॉज चार मेंबर जा रहे हैं तो आप पूरा दिन घूम के आ सकते हैं एंड यू हैव टू पे ओनली 4,000 रुपीज़। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैंपर वैन का टूर, अब बाहर चलते हैं और अब हमारा वेट कर रही है एक लग्जरी बस, एक वैनिटी वैन। चलें आइए। महाराष्ट्र में इतना ज़बरदस्त मॉनसून है, बारिश है, क्या वेदर है, और आप खुद सोचिए या तो आप ये कैंपर वैन या अब ये आपके सामने लग्जरी बस, आप रेडी हैं, शुरू किया जाए, पूरा डिटेल में देखिए हैं भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है। आइए तो ये देखिए, पहले पूरा आप एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको डिटेल में सब बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। बताइए कैसा लगा, पहला इम्प्रेशन आपको कैसा लगा। आइए अब इस धमाकेदार और लग्जरियस टूर की शुरुआत की जाए इस तरफ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बिकॉज द करंट सिचुएशन इज दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन अवेलेबल किया गया है। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है बाथरूम, अगर इनकेस आप महाराष्ट्र में सपोज मार्शेज घाट जा रहे हैं या लोनावला साइड जा रहे हैं तो बाथरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बाथरूम अवेलेबल है, कमोड सब कुछ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो गीज़र भी दिया गया है, अगर आप विंटर में जा रहे हैं दिसंबर में जा रहे हैं गर्म पानी आपको चाहिए तो गीज़र भी है। सामने फर्स्ट क्लास एक ग्लास भी लगाया गया है जिसमें देखिए कितनी कलरफुल लाइट्स हैं, बहुत कुछ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा बाथरूम चाहिए एंड दिस वैनिटी वैन लेट्स यू डू दैट। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं सपोज अगर आप 3-4 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं या एक वीक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कपड़े लेकर जाएंगे। कपड़ों के लिए देखिए यहाँ पर पूरी अनमाली दी गई है, इस तरफ भी है और नीचे की तरफ भी देखिए सब कुछ, आप सामान जो भी आप कैरी कर रहे हैं चाहे वो यूटेंसिल्स हो या कुछ भी ग्लासेस वगैरह आप कैरी कर रहे हैं वो सब सामान आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज की बात, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए सोफा दिया गया है, दिस इज सोफा कम बेड, जैसे नाइट होगी तो आप देखिए ये सोफा कम बेड है, ये आपका बेड ओपन हो जाए और यहाँ पर आप लोग सो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6 पीपल, यहाँ पर भी एक सोफा दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास एक मिरर दिया गया है, अपने आप को सजाइए, अपने आप को आईने में देखिए और मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए बिकॉज आप इतनी जबरदस्त वैनिटी वैन में हैं। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम माउंटेन है तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, पूरा देखिए सेंसर सब कंट्रोल यहाँ पर हैं, जो जो लाइट आप बंद करना चाहते हैं ऑन करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है हम वैनिटी वैन हायर कर लेंगे घूमने जाएंगे बट खाना कैसे पकाएंगे बिकॉज फिलहाल बाहर तो नहीं खा सकते। चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कहा ना लग्जरियस बस है, आपके लिए सब कुछ है। ये देखिए ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन और यहाँ पर देखिए किचन पूरी दी गई है, यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं गैस है, चिमनी है, सब कुछ जो जो यूटेंसिल्स आपको चाहिए जो जो आप कैरी कर रहे हो यहाँ पर आप सब ला सकते हैं। ये कटिंग बोर्ड आपके सामने है, यहाँ पर एक छोटा सा वॉश बेसिन भी दिया गया है, बिल्कुल भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं बिकॉज इस वैनिटी वैन में या बिकॉज कैंपर वैन में आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक फ्रिज भी दिया गया है, अगेन जो भी आप पानी कैरी कर रहे हैं वाटर या ड्रिंक्स वो सब आप आइस वगैरह सब कुछ इसमें रख सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए फ्रिज, ये हो गया आपके लिए किचन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए
तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर ये स्पीकर्स लगाए गए हैं, वूफर्स लगाए गए हैं, थ्रू वाईफाई यू कैन कनेक्ट, और यहाँ पर टीवी भी लगाया गया है जो आप थ्रू यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास ओवन है इनकेस अगर आप गर्म खाना खाना चाहें तो, यहाँ पर ओवन दिया गया है, यहाँ पर सब नाइफ्स वगैरह हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज ब्लूटूथ स्पीकर। अगेन दिस इज वन मोर सोफा विच इज सोफा कम बेड, तो ये भी रात में आप ओपन कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक टूर है आपके सामने, इसमें और कुछ बहुत कुछ है, मैं तो आपसे यही कहूँगा बुक कीजिए, आइए और फिर इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। अब एक चीज़ बाकी है, जानते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा आइए फिर मैं आपको बताऊँ। और जब आप ऐसे वेदर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपके लिए देखिए, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फीचर। तो ये गैलरी है स्पेशली आपके लिए दी गई है फ्रॉम द ड्राइवर केबिन। आप देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप फोटोज ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बट अगेन सजेस्टेड, जब वैनिटी वैन चल रही है तो खड़े मत रहिएगा बिल्कुल। जो टाइटैनिक का अगर आप पोज करना चाहें, टाइटैनिक पोज आप कर सकते हैं। बस देख, सी इट इज़ रेनिंग लिटिल बिट, कितना यहाँ सही लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस कैंपर बस का आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ इट इज़ 21,000 INR पर डे, जिसमें कि GST प्लस फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है। यस, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूँ, फॉर 21,000 rupees पर डे इसमें आपको ड्राइवर प्लस क्लीनर आपको साथ मिलेगा, जो कि उस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स बिकॉज आप ये ड्राइव नहीं कर सकते तो ड्राइवर है, और बिकॉज इतनी बड़ी वैन है तो एक क्लीनर भी इसके साथ दिया गया है। इनकेस अगर आप कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो वो क्लीनर आपके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल है। अबाउट द पिक एंड ड्रॉप द सेम कंडीशन डिपेंडिंग, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं तो नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारी डिटेल्स। अगर आप वीक डेज पर बुक कर रहे हैं, देखिए अबाउट द बुकिंग्स अगर आप सोच रहे होंगे तो फॉर दिस वीकेंड कैंपर वैन भी बुक है और ये बस भी बुक है। अगर आप वीकेंड्स पर 3-4 दिन के लिए बुक कर रहे हैं तो देर इज पॉसिबिलिटी कि शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, बट बिकॉज राइट नाउ इट इज इन अ वेरी ह्यूज डिमांड, क्योंकि इसे 1-2 हफ्ते पहले ही लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र टूरिज्म। तो जल्दी से बुक कीजिए एंड आई एम श्योर आप ये लग्जरी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये दोनों चीज़ें ड्यूरिंग ट्रैवलिंग क्यों नहीं दिखाई है। देखिए आई ट्राइड लॉट बट प्लान नहीं बन पाया है, मे बी इन अपकमिंग डेज शायद कभी लोनावला जाना हुआ या करजत या मार्चेज घाट, तो मैं आपको एक कैंपर वैन या बस दिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा आया रिमेंबर टू लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, इतनी मेहनत की गई है। शेयर कीजिए उनके साथ जो मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में है, एंड दोज वुड लाइक टू ट्रैवल इन दिस कैंपर वैन और द कैंपर बस। अगर आप जिस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बताया ना, यू हैव टू सब्सक्राइब, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कीजिए और आपके सामने ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आप ये कैंपर वैन कहीं लेकर जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर बताइएगा ज़रूर कि आप किस लोकेशन पे इस कैंपर वैन को लेके जा रहे हैं। यार ये देखने में ही ना, सच बता रहा हूँ, देखने में ही ऐसा लगता है। एंड बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र टूरिज्म, तो आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, एक बार या तो कैंपर वैन या कैंपर बस आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। यस, मास्क लगा के, कोई मास्क लगा के।